एमसीएक्स पर कॉटन वायदा डिलीवरी में चला गया है और 30 दिसंबर को एक्सपायर भी हो जाएगा। नए नियम न आने से जनवरी वायदा अभी तक नहीं आया है। ऐसे में स्पॉट में कॉटन के दाम गिरने लगे हैं। एक दिन में दाम 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक लुढ़क गए हैं। कॉटन की कीमतें 7500 से 7700 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर चुकी हैं। जनवरी वायदा न होने से कॉटन की कीमतों में गिरावट आई है। दरअसल दिसंबर वायदा इस महीने 18% तक गिरा है। वहीं एनसीडीएक्स पर भी कपास की कीमतों में लगातार गिरावट दिखाई दी है। दिसंबर में एनसीडीएक्स कपास 10% लुढ़का है और कपास अप्रैल वायदा 1600 के नीचे फसल चुका है। दरअसल एमसीएक्स पर कॉटन की एक्सपायरी शुरू हुई है। कॉटन दिसंबर वायदा डिलीवरी में चला गया और जिसके चलते कॉटन का अभी जनवरी वायदा न होने की वजह से कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बाजार में भी कॉटन वायदा न खुलने से अनिश्चितता का माहौल है। नए सौदों की मंजूरी न होने से हेजिंग अभी फिलहाल संभव दिखाई नहीं दे रही। वहीं सपोर्ट में कॉटन के भाव पर नजर डालें तो राजकोट मंडी में कॉटन का भाव 27,533 रुपए प्रति क्विंटल पर दिखाई दिया है, जबकि कादी मंडी में कॉटन का भाव 27,505 रुपए प्रति क्विंटल पर देखने को मिला है। इसी तरह सपोर्ट में कपास के भाव पर नजर डालें तो राजकोट मंडी में कॉटन का भाव 1512 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि कादी मंडी में 1520 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला है। वहीं भारत में कॉटन के एक्सपोर्ट पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो वित्त वर्ष 2017-18 में 67,59,000 बेल्स कॉटन का एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 47,04,000 बेल्स कॉटन, तो वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में 70,59,000 बेल्स कॉटन का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हुआ था, तो वहीं 2021-22 में 45,00,000 बेल्स कॉटन एक्सपोर्ट हुआ है। वहीं कॉटन के इम्पोर्ट पर अगर नजर डाले तो वित्त वर्ष 2017-18 में 15,80,000 बेल्स कॉटन का इंपोर्ट हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 15,50,000 बेल्स कॉटन का इंपोर्ट हुआ है, वित्त वर्ष 2020-21 में 11,03,000 बेल्स, तो 2021-22 में 10,50,000 बेल्स कॉटन इंपोर्ट किया गया है। और भारत में कॉटन का उत्पादन वित्त वर्ष 2017-18 में 370,00,000 बेल्स रहा था, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 365,00,000 बेल्स कॉटन, और वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में 354,00,000, तो 2021-22 में भी इसी के आसपास कॉटन का उत्पादन रहने का अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।